हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो हम बीकॉम फिफ्थ सेम की यानी कि बीकॉम फिफ्थ सेम का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोर नंबर है DC 5.1। ठीक है, 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहेगा यानी कि असाइनमेंट वगैरह रहेंगे आपके, और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। चलिए, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या होगा, किस तरह से हम जो है अपने डेली लाइफ में इन चैप्टर्स को खत्म करेंगे यानी इसका सिलेबस जल्दी से कवर अप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ देखेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बीकॉम फिफ्थ सेम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा यानी कि एग्जाम होंगे, और उसमें 20 मार्क्स के इंटरनल यानी कि असाइनमेंट वगैरह आपको सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, किस तरह से सिलेबस रहे, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। उसके बाद हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, और हमें क्या करना होता है, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से 9 क्वेश्चन में और 1 क्वेश्चन ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है हमारा, और ये हमारे पास तीनों यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं। हर एक यूनिट में से तीन तीन क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तीन तीन क्वेश्चन आएंगे। हर एक में से हमें कितने करने हैं, हर एक में से हमें एक एक एटलीस्ट करना है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसके अलावा हमें अगर फर्स्ट यूनिट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है यानी कि हमारे 5 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं, तो हम इसमें से करेंगे। अगर इसमें से नहीं आता तो सेकेंड यूनिट में से, नहीं तो थर्ड यूनिट में से, यानी कि हमें इनमें से कवर अप 5 क्वेश्चन करने हैं टोटल। और जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो 4 4 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें हमें नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम वहाँ पे सीखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अच्छे से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन हमारे पास बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करेंगे। मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा अभी, इसके अंदर क्या क्या लिखना है, किस तरह से होगा, बस आपको डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस को देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, फंक्शनल एरिया क्या क्या रहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फिर चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चेंज हो, मैनेजमेंट के चेंज होने पर इंडिया में क्या क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक था। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग का रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उसके नीड्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ ए फाइनेंशियल प्लान, प्लान को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है, कैपिटलाइजेशन, ओवर, इसके अंदर ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखेंगे हम। ठीक है, इनका क्वेश्चन भी बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में मीनिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या रहेगी, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें टेक्निक कौन कौन सी उसकी टेक्निक्स हैं, कि किस तरह से हम चीज़ों को फोरकास्ट कर पाएंगे, यानी कि इसमें कौन सी चीज़ें लेनी है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें लेनी है, कि उसको किस तरह से हम जो है फोरकास्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 3 तरह के डिसीजंस रहते हैं, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है, इस तरह से डिविडेंड भी आएगा। हमारे पास अलग अलग तरह के ना डिसीजंस हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें क्या क्या चैप्टर को डिस्कस करना है, उसको भी देख लेते हैं जरा। तो उसमें लिखा हुआ है कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस को हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो एस्टिमेशन, किस तरह से कैश फ्लो का एस्टिमेशन होगा, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट टर्मिनल वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट अप्रोच एंड रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो यूनिट है यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार बनता है और इस बार भी जरूर बनेगा, तो इसको हमें अच्छे से करना होगा इस यूनिट में। नेक्स्ट क्या है, सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फिनांस। तो यहाँ पे हम सोर्स ऑफ फिनांस के बारे में पढ़ेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फिनांस में हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही रहेंगे, कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है, मीडियम टर्म में क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा। जैसे कि हमें पता भी है शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर का होता है, मीडियम में हमारे पास 2 to 3 डे, 2 to 3 ईयर्स होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में 3 to हमारे पास 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमने कौन सा जो है क्या चीज़ लेनी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ
कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, किस तरह से कैलकुलेट होगी। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, किस तरह से कैलकुलेट होगी। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। तो इस तरह से अलग अलग जो है हमारे पास जो है कैपिटल, जो हमारे पास कॉस्ट बताए गए हैं कि किस तरह से हमने उनकी कॉस्ट निकालनी होती है कैपिटल्स में, जैसे इक्विटी कैपिटल की किस तरह से निकालेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल की किस तरह से निकालेंगे, डिबेंचर्स हैं तो उनकी कैसे होगी, और रिटेन अर्निंग है तो कैसे होगी। इस तरह से वेटेड एवरेज कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमारे पास वेटेड एवरेज भी रहेगा, वेटेड एवरेज को हम ओवरऑल कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन भी हमें बोलते हैं इसको। इस तरह से नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि उसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस रहेंगे, हैं जैसे कि नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, MM हाइपोथिसिस, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इस इनमें भी हमारे पास क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमारी सेकेंड यूनिट में है। तो मैं आपको ना चैप्टर भी बताता हूँ कि आपकी बुक अगर आप देखते हो तो उस बुक में कितने चैप्टर्स रहेंगे किस यूनिट वाइज। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर करवाएगी, 1 to 7 चैप्टर्स हमें ये कवर करवाएगी फर्स्ट यूनिट। इस तरह से जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमें कितना कवर करवाएगी, ये हमें करवाएगी 8 चैप्टर से लेकर 8 to 12 चैप्टर तक, 8 to 12 चैप्टर हमारे पास रहेंगे इस यूनिट में। और नेक्स्ट 12 से लेकर हमारे पास 17 चैप्टर्स रहेंगे थर्ड यूनिट के, ठीक है। तो मैं जो बुक यूज़ करूंगा मैं आपको बता देता हूँ, मैं डीके गोयल की बुक यूज़ करूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम चलेंगे कि क्या क्या हमें पहले करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट थर्ड यूनिट में डिविडेंड डिसीजन क्या क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, थ्योरीज ऑफ रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या पढ़ना होगा कि डिविडेंड किस तरह से उन शेयर होल्डर्स को देना होता है, उस पर क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, किस तरह की पॉलिसीज अपनानी जाती हैं, डिसाइड करते हैं कि इस टाइम पे ये डिविडेंड के हिसाब से हमें पेमेंट करनी है। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को किस तरह से पेमेंट करते हैं। अगर हम उनको बैडली पेमेंट करते हैं, यानी कि अच्छे तरह से नहीं ट्रीट करते उनको, तो हमारी वेल्थ जो है कंपनी की वो गिरनी शुरू हो जाती है, फिर उनको शेयर जो है आगे कोई परचेज करेगा नहीं, तो हमारी कंपनी खराब भी हो सकती है भविष्य में। तो इस तरह से नेक्स्ट हमें क्या बताता है, कैश एंड स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में हमें उसके कंसेप्ट पढ़ना है, यानी कि उसकी मीनिंग और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं कैपिटल के वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स एंड पेबल मैनेजमेंट्स। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर कैश का, फिर रिसीवेबल्स का, इस तरह से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री का। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस रहेगा। तो कल से आपके पास डेली बेसिस पे वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, तो आपको डेली बेसिस पे देखना है। तो मैं कल आपको जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस सिलेबस में, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कल की वीडियो देखना ना भूले, सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद में आपको इसके फॉर्मुलाज वगैरह बताऊंगा, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए, देखिए पहले तो मैं आपको कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवा रहा हूँ, दूसरे नंबर पर ना मैं आपको क्या करवाऊंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर करवाऊंगा। अगर आपको इस तरह से पैटर्न मेरा सही लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर आपको कुछ और पहले करना तो आप उसके लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैं नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। तो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कल से वीडियो आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कवर अप करके फिर इनकी रिविजन्स भी करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।